दोस्तों, देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। JKWB उजाला कंपनी का कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखें और धोखेबाजों से बचे। JKWB उजाला कूलर 25 सालों से एक विश्वसनीय नाम। मुरलिया अब बजने लगी है, महफिल बाबा की अब सजने लगी है। महफिल बाबा की अब सजने लगी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 6 शिक्षाविद एक्सपर्ट वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यवान ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल से पूछे गए देश भर के किसान हड़ताल पर पूछे गए सवाल पर तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की समस्या को दूर करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 535 ई मंडी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों की फसल ज़्यादा होती है, रेट कम मिलते हैं। पिछले 4 साल में किसानों के लिए काम हमने किया है। किसानों का बीमा योजना भी लागू की है। 50,000 रुपये लगातार योजना को लागू किया जा रहा है। खादों की समस्या का निदान हो चुका है। यूरिया की आज कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के बारे में, किसानों की कुछ समस्याएं वास्तविक है। पिछले लगभग 70 वर्षों में किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए जो प्रयत्न किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से पिछले 60 वर्षों में वो नहीं हुआ। पहली बार एक सरकार ऐसी आई है केंद्र में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि किसानों की जो दुर्दशा हुई है उसके पीछे क्या कारण है, इन कारणों का निदान, इन कारणों का समाधान और किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी योजनाएं लाई गई। ये बात सही है कि 60 वर्ष पुरानी बीमारी को एकदम से दूर नहीं किया जा सकता, पर इसलिए अभी भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं, मार्केटिंग समस्याएं हो या उनके सब्जी फल दूध की बात हो, क्या हम इस प्रकार का कोई साधन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने लगभग 535 मंडियों को, जिसको हम ई मंडी बोलते हैं, उससे लिंक करने का प्रयत्न किया है। लेकिन इसको पूरा धरती पर उतरने के लिए थोड़ा अधिक समय लगेगा। ये बात सही है कि किसानों को, किसान बेचारे जब अपने फसल पैदा करते हैं, अगर ज़्यादा होगी फसल उसके रेट कम हो जाते हैं, कम होती तो उनको MSP वाला जो गवर्नमेंट का होगा, सब फसलों पर तो MSP भी नहीं है, सब लोग खरीदनी है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में जितना काम हुआ है किसानों के लिए वो काफ़ी, जिसको हम बोलते हैं, समाधान कारक है। और कुछ कारण बचे हैं, तो किसानों का फसल बीमा योजना रहा हो, चाहे किसानों का जो है जिसको हम मृदा अपना टेस्टिंग बोलते हैं, जमीन का वो करते हैं स्वतंत्र, जो है 50 सालों से जो बड़े बड़े हमारे सिंचाई के जो प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग थे, 50,000 करोड़ रुपये भारत सरकार उनको पूरा कर रही है। हर खेत को पानी दिया जाए, हर खेत को पानी, एंड मोर क्रॉप पर ड्रॉप, एक एक बूंद से जो है ज्यादा फसल ली जाए। फर्टिलाइजर की जो समस्या थी, खादों की जो समस्याएं थी, इसी तरह यूरिया की जो समस्या थी, उसका पूरी तरह से निदान हो चुका है। पूरे देश के अंदर कहीं भी यूरिया की समस्या नहीं है। सीड्स के अच्छे बीजों के लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी, चाहे अपना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, मैं तो उनका भी बड़ा अभिनंदन करता हूँ, प्रोफेसर KP सिंह का, कि पूरे देश के स्टार्टअप का उन्होंने आज यहाँ पर समिट रखा। पूरे देश से बहुत से स्टूडेंट, बहुत से प्रोफेसर, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में
क्या क्या नवीनता हो सकती है, क्या क्या रिसर्च हो सकती है, कैसे हमारे किसानों को फायदा हो सकता है, उसके लिए दो दिन की गोष्ठी उन्होंने रखी है। बाहर के जो है लोग भी आए हैं, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डगलस जो है यहाँ पर हैं, ऐसे और भी कई एक्सपर्ट जो पूरे देश के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हैं। और मुझे विश्वास है कि किसानों की जो समस्याएं धीरे धीरे 2022 तक, ये केवल नारा नहीं है, ये मोदी जी का नारा नहीं है, केवल जो बोलते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। इसे 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो, दुगनी हो, इसके लिए बहुत ईमानदारी से। पेट्रोल डीजल के रेट भरने के बारे में राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुनिए जरा आप भी। पेट्रोल के रेट को भी लेके बोला गया, 85 रुपए। दो बातें हैं, जो जन कल्याणकारक जो योजनाएं हैं, पैसा तो उसमें चाहिए, पैसा कहीं तो इनकम टैक्स बढ़ाइए, कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए, दूसरे बढ़ाइए, या हमारा डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो है उसका थोड़ा सा डीजल पेट्रोल जो है, मैं समझ सकता हूँ विशेष रूप से इंटरनल मार्केट के कारण ही हुआ है वो, तो इनको मालूम है, तो इसलिए उस विषय में। फिर भी कल जो प्रेस में था, हमारे जो तेल मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने मीटिंग ली है कि किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन केवल बात केंद्र की नहीं है, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग उस पर जो है वो लगाया हुआ है सेल टैक्स, आपको मालूम है, इसलिए उसके हिसाब से काफ़ी फर्क है, एक राज्य में कुछ है, इसमें कुछ है। लेकिन मेन मुद्दा ये है, इसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन क्या हम जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जो पब्लिक वेलफेयर जो है लोगों की जो योजनाएं हैं, उस पर तो कमी करना नहीं चाहते। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अभी 5 लाख तक का प्रत्येक परिवार को, जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनको पूरे परिवार को जो है 5 लाख रुपए का जो है बीमा करने की भारत सरकार, 10 करोड़ परिवार, 5 अगर लगते हैं 50 करोड़ लोगों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं तो होना ही पड़ेगा, आप इस बात को समझदार लोग हैं। हाँ जी, हम ही पाए थे क्या अपने लुटन ने? ये बात होगी बहन जी, हमने तो उजाला कंपनी का असली कूलर चाहिए था, यो क्या दे दिया आपने? यो उजाला का तो है बहन जी। भाई साहब, वो वाला चाहिए था जिसपे JKWB का रजिस्टर मार्क हुए। बहन जी यो ले ले, यो भी तो कंपनी का है, न्यू है, उजाला कंपनी का कूलर है, तो दे दियो, ये तुम्हारे पैसे वापस दे दियो। आजकल तो गांव वाला नहीं भी लगन लगा असली और नकली कूलर का। JKWB उजाला कंपनी का कोई भी कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखे और धोखेबाजों से बचे। हिसार से ANT नेशनल के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।